सागर जिले में संत शिरोमणि रविदास जी का 200 करोड़ रुपए की लागत से विशाल भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर 18 दिवसीय जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी जानकारी देने के उद्देश्य से की गई लोक शक्ति कार्यालय में प्रेस से चर्चा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 8 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर के निर्माण की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर जन जागरण के लिए 25 जुलाई से 18 दिवसीय एक यात्रा प्रारंभ की गई थी, जिसमें 313 नदियों का जल व प्रदेश के 52,000 गांवों की मिट्टी को संग्रहित किया गया, जिसका 12 अगस्त को सागर जिले में समापन किया जाएगा। जन परिषद उपाध्यक्ष विभास उपाध्याय ने फिर से चर्चा कर बताया कि 25 जुलाई से यात्रा का प्रारंभ किया गया था, जिसमें जो 5 रूटों में 45 से अधिक जिले से होकर यह यात्रा गुजरी, जिसकी मुख्य यात्रा के अतिरिक्त 1661 उपकलश यात्रा भी प्रदेश के कई गांवों व नगरों में निकाली गई, जिसके लगभग 25 लाख लोग भागीदार बने। यात्रा में 313 नदियों का जल संग्रह किया गया है, जिसे 12 अगस्त को सागर में यात्रा के समय पर इस अवसर पर भूमि पूजन के अवसर पर समर्पित किया जाएगा, जिसका देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा। 25 जुलाई से संत रविदास जी की यात्रा 5 स्थानों पे मध्य प्रदेश में निकाली जा रही थी। 11 अगस्त आज रात्रि को उसका समापन सागर में हो रहा है। कल 12 अगस्त को सागर में बड़तुमा में जो संत रविदास जी का 100 करोड़ की लागत से मंदिर बनने जा रहा है, उस मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और इस यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के 52,000 गांवों की मिट्टी और 313 नदियों का जल श्रद्धा के रूप में वहां ले जाया गया है, जिसको कल भूमि पूजन स्थल पे पूजन करके और अर्पित किया जाएगा। तो पूरे प्रदेश ने अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपना विश्वास, जिसकी प्रेरणा उसको संत रविदास जी से मिली है, उनके मंदिर भूमि पूजन के लिए व्यक्त किया है। इसमें सारे समाज सम्मिलित हुए हैं।